हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने मंडी जिले के एक दिवसीय दौरे के दौरान सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के बल्दवाड़ा और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां पर जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, हिमाचल की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिन रात सिर्फ विपक्ष की याद में रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश के छात्रों को मंडी में दूसरा विश्वविद्यालय खोलकर बड़ी सौगात दी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालते ही सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा कम करकर करीब 35,000 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। रात को सोते हम ही याद आते, जिस मंडी में आकर के वो बातें कह करके गए कि कुछ नहीं किया, उन्हें मालूम नहीं है वहां जहां कार्यक्रम था उससे कुछ कदम के साथ कदम दूर जो है हिमाचल प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय मंडी में बनाया हमने, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, जिसको वो बंद करने के कगार पर खड़ा कर चुके। मंडी का डिग्री कॉलेज लगभग 45 करोड़ रुपए की बिल्डिंग का काम वहाँ पर आज रुका पड़ा हुआ है, आधा काम हुआ है, आधा काम सुक्खू जी के आशीर्वाद से सरकार बनने के बाद उनने रोक करके रखा, वो नहीं दिखाई दिया उन्हें।